दोस्तों, अगर आप भी अफगानिस्तान की जीत से खुश हो और भारत को भी वर्ल्ड कप जीतते हुए देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 27 साल के बाद पाकिस्तान की टीम को खदेड़कर अफगानिस्तान ने जीता वर्ल्ड कप का कोई मुकाबला, तो दुनिया भर के दिग्गज अख्तर अफरीदी से लेकर सचिन, सहवाग, धोनी तक ने आखिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले के बाद ICC से बड़ी मांग करते हुए क्या कहा, किसका गुस्सा फूटा, कौन क्या बोला। धोनी का बयान तो जाने बिना कहीं भी मत जाइएगा, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, इब्राहिम जादरान और बाबर आजम में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीम जब भी वर्ल्ड कप में आमने सामने होती है तो रोमांचक मुकाबले के साथ हाई वोल्टेज मैच भी नजर आता है। और दोस्तों, आखिरकार इस मुकाबले की शुरुआत MH चिदम्बरम स्टेडियम से हुई, जहां इस मुकाबले में टॉस जीतकर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 282 रन बनाकर इस मुकाबले में अपनी पकड़ बना ली थी। हालांकि यहां पर अब्दुल्ला शाफीक और इमामुल हक ने जब पारी की शुरुआत की तो दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी आज चल नहीं पाई। 56 रन बनाकर इमामुल हक आउट हो गए, लेकिन दोस्तों, इनके आउट हो जाने के बाद उतरे कप्तान बाबर आजम ने 74 रन बनाए, तो वहीं अब्दुल्ला शाफीक 58 रन बनाकर आउट हुए। इस मैच में पाकिस्तान की टीम को 282 रन के कुल स्कोर पर पहुंचाया और यहां पर अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट नूर अहमद को मिले, तो वहीं 2 विकेट नवीन उल हक के नाम रहे। और अब दोस्तों, अफगानिस्तानी बल्लेबाजों की बारी थी इस मैदान पर कुछ कर दिखाने की, मुकाबला अपने नाम कर पाकिस्तान को यह दिखाने की कि वर्ल्ड कप में उनकी अहमियत कितनी है। और दोस्तों, यहां पर अफगानिस्तानी बल्लेबाजों ने आज यही किया, जहां रहमानुल्लाह गुरवाज और इब्राहिम जादरान जब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे तो शुरुआती 5 ओवर में तो दोनों बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा बचकर खेला, क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ी यहां पर हर वक्त इनको अटैक करके आउट करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। शाहीन अफरीदी ने पूरा दम लगा लिया तो हसन अली के भी पसीने छूट गए, हारिस राउफ के तो तोते ही उड़ गए, क्योंकि 4 ओवर में 33 रन बढ़वा दिए थे। और दोस्तों, यहां पर खराब गेंदबाजी के चलते फिर अफगानिस्तानी बल्लेबाजों ने फायदा उठाना शुरू किया, जहां इस दौरान रहमानुल्लाह गुरवाज और इब्राहिम जादरान के बीच 20 ओवर के भीतर ही एक शतकीय साझेदारी हो गई। और दोस्तों, फिर ये कहां रुकने वाले थे, यहां पर रहमानुल्लाह गुरवाज ने छक्के चौकों की बरसात करना शुरू कर दिया, तो वहीं इब्राहिम जादरान ने लो रिस्क शॉट खेले और यह अहम पारी अफगानिस्तान की टीम को मुकाबला जिताने का लगभग काम करी गई थी। लेकिन रहमानुल्लाह गुरवाज को यहां शाहीन अफरीदी ने आउट करके पवेलियन की राह पकड़वा दी। लेकिन दोस्तों, अभी भी अफगानिस्तान ने यह मुकाबला अपने नाम इब्राहिम जादरान की बदौलत कर लिया और पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप में जीता है। और दोस्तों, इस शानदार सालों बाद मिली जीत के बाद कई दिग्गजों के बड़े बयान सामने निकल कर आए हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो पहला बड़ा बयान निकल कर आता है वो है शोएब अख्तर का, जिन्होंने कहा कि मुझे अपनी पाकिस्तान की टीम से ये उम्मीद नहीं थी कि आप अफगानिस्तान जैसी कमजोर टीम से भी हार जाएंगे। आखिरकार भारत में जाकर हमारी टीम को हो क्या गया है? क्या हमारे खिलाफ भारत कोई षड्यंत्र रच रहा है या फिर हमें वर्ल्ड कप से बाहर निकालने की कोई साजिश? मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत बेईमानी करवा के हमारे मुकाबलों को जानबूझकर ऐसी पिच पर रख रहा है जहां हमारे खिलाड़ी मदद के लिए तरस जा रहे हैं। अब बहुत हुआ, ICC को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत हमें बेईमानी करके हरवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर ICC ध्यान नहीं देगा तो हमारी पाकिस्तान की टीम आगे वर्ल्ड कप के मुकाबले एक भी नहीं खेलेगी। तो वहीं दोस्तों, बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, जो अगला बड़ा बयान निकल कर आता है वो है शाहिद अफरीदी का, जिन्होंने कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अफगानिस्तान की टीम से तो हम कभी भी जिंदगी में नहीं हारे और इस साल हम वर्ल्ड कप में ही हार गए। भारत अफगानिस्तान की मदद करके इस मैच को पाकिस्तान के हाथ से छीनने का काम किया है। भारत बेईमानी करके लगातार मुकाबले खुद भी जीत रहा है और अन्य टीमों को जिताकर हमारी टीमों को वो वर्ल्ड कप से बाहर कर रहे हैं। ICC हमारी मदद कीजिए, भारत के खिलाफ कोई सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। तो दोस्तों, यहां पर इन पाकिस्तानियों का बयान सुनने के बाद सहवाग का गुस्सा फूट गया, जहां सहवाग ने सीधा जवाब देते हुए कहा, आखिरकार पाकिस्तानियों ने अपने आप को समझ क्या रखा है? हम पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करना ही क्यों चाहेंगे? अगर सेमीफाइनल मुकाबला भारत पाकिस्तान का हो जाएगा तो हमें तो पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनल में हराने में ज्यादा मजा आएगा, ना कि अफगानिस्तान की टीम को। अब पाकिस्तान है इतनी बेकार टीम, उनके ना तो बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ना गेंदबाज, आखिर ऐसे में कैसे आपकी टीम जीतेगी? तो आपका जीतना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है और आप बोरिया बिस्तर बांधकर अपने घर जाइए पाकिस्तान वालों। तो वहीं दोस्तों, यहां पर फिर अगला बयान निकल कर आता है वो है सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने कहा कि मैं तो बाबर आजम को एक अच्छा कप्तान समझता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाबर आजम जैसा बेकार कप्तान पूरी दुनिया का ही नहीं है। मुश्किल मुकाबले में ओसामा मीर जैसे खिलाड़ी को लेकर आ गए और आपका खिलाड़ी हारिस राउफ तो यहां
सेंचुरियां पूरे करने आया है अपनी गेंदबाजी से। आपकी टीम इस बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तो छोड़ो, अगर टॉप 5 में भी क्वालिफाई कर जाए तो आप मुझसे शर्त लगा लीजिएगा। तो वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करें अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने कहा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ हारता देख आज मैं काफी खुश हूं। मैंने हमेशा पाकिस्तान को जीतते हुए ही देखा है और मैं जानता हूं कि इन टीमों के बीच कितना बड़ा विवाद चलता चला आया है, और अगर आज पाकिस्तान फिर से जीत जाता गुरूर और भी ज्यादा बढ़ जाता, लेकिन अफगानिस्तान का प्रदर्शन अच्छा था और इस मैच में वेल डिजर्विंग टीम पाकिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान ही थी मेरे मानने में, और पाकिस्तान की टीम को तो जल्दी से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर करो और भारत से भगाओ। तो दोस्तों यहां पर धोनी का यह बयान सुनकर तो पूरा भारत देश उनको सलाम ठोक रहा है। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि धोनी ने जो कहा वो सही है फिर गलत, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।